कल का मैच जी बड़ा इंटरेस्टिंग था, और जो आखिरी चंद ओवर्स थे जिसमें जहां विराट कोहली की सेंचुरी भी कंप्लीट होनी थी और इंडिया ने मैच भी जीतना था और बांग्लादेश वाइड बॉल्स करा रहा था, कितनी इंटरेस्टिंग लगी रिशाद साहब आपको ये इनिंग्स? मतलब पहले तो ये कि आपने भी बड़ा अच्छा सम अप किया कल के मैच को बहुत अच्छी तरह से, और वाकई ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और आई थिंक राहुल की एक बहुत बड़ा दिल उन्होंने दिखाया ऐसे मौकों पे, बैट्समैन को वाकई अपने ही माइलस्टोन की फिक्र होती है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बड़े मैग्नानिमसली उनको किया कि विराट कोहली अपनी सेंचुरी कंप्लीट करें, और उसमें विराट की भी अपनी बैटिंग मास्टरी नजर आती है कि जिस वक्त वो आए थे ग्राउंड में उस वक्त बड़े थोड़े अरसे में उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की, और उनकी डोमिनेशन जो थी बांग्लादेश बॉलर्स की वो देखने के लायक थी। तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव टैक्टिक्स थी बांग्लादेश बॉलर्स की आखिर में, मैंने भी नोटिस किया जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल रिजल्ट एट द एंड वही वन साइडेड रिजल्ट था। और मैं समझता हूँ कि जो होम ग्राउंड को, जो होम टीम को जो एडवांटेज हासिल होता है वही इंडिया इस वक्त डिस्प्ले कर रहा है। ये दुनिया भर में रहा है, जहां जहां भी जो होस्ट होते हैं, जो होम टीम होती है, उसको जाहिर अपने ग्राउंड्स का पता होता है, अपनी कंडीशंस का पता होता है, उस हिसाब से इंडिया डोमिनेट कर रहा है और अभी तक अनबीटन है। अनबीटन है नो डाउट। अब आज जिस तरह से रिशाद साहब ने कहा कि होम ग्राउंड का एज तो होता है और इंडिया के पास ये एज है, और अब तक इंडिया ने प्रूफ भी किया है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। कल के मैच पे आपका कमेंट? कल के मैच में पाकिस्तान के लिए लर्निंग है, इंडिया के लिए फतह थी, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया ज्यादातर मैचेस दरमियानी ओवर्स में जीत रहा है, क्योंकि कल भी आपने देखा कि बांग्लादेश ने अच्छा स्टार्ट ले लिया था, ओपनिंग का स्टार्ट अच्छा था, उसके बाद बेहतर रन्स बनने रहे थे, अच्छी एवरेज से रन्स बन रहे थे, अच्छी रन स्ट्राइक रेट से रन्स बन रहे थे, लेकिन जब स्पिनर्स मुतारफ हुए हैं जडेजा और कुलदीप यादव, तो उन्होंने सारी सूरत हाल ही तब्दील करके रख दी। तो मिडल ओवर्स में टीमें जो कैपिटलाइज नहीं कर पा रही हैं, विकेट ज़्यादा गंवाती हैं तब हारती हैं, रन्स ज़्यादा देती हैं तब हारती हैं। अब पाकिस्तान का भी मसला इसी तरह का है कि ऊपर से शाहीन और को नसीम शाह का साथ हासिल नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दबाव का शिकार हैं। शाहीन शाह अपनी असल जो सलाहियतों के जौहर जो हैं वो नहीं दिखा पा रहे, बिल्कुल, उसकी वजह से फिर हारस पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, क्योंकि टॉप से शाहीन विकेट लेते थे तो हारस जो है वो उसके बाद शेयर हो जाते थे, बिल्कुल। अब हारस भी मार खा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। अब उसके बाद एक जो मिडल ओवर्स में आता है, जो इंडिया में खास तौर पे जिसकी जरूरत होती है और जो इंडियन टीम बहुत अच्छा एग्जीक्यूट कर रही है जहाँ पे, वो है मिडल ओवर्स में परफॉर्मेंस। अब मिडल ओवर्स में पाकिस्तान के पास शादाब और नवाज जो हैं वो दोनों की परफॉर्मेंस उसमें आ गई नहीं है। अब असामा मीर को शामिल करने की तजवीज जेरे गौर है, ये तो फैसला भी होगा, ये ऐलान नहीं किया। अच्छी बात यह कि वो फिट हो गए, बुखार जो है उनका उतर चुका है और वो उनको भी बुखार हुआ था, लेकिन अभी फैसला होना है, होना है, ओके, ओके जी। और इम्कान यही है कि उनको शामिल कर लिया जाएगा, सही। तो बहरहाल चेंज के लिए बेहतर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उसामा मीर को नहीं खेला हुआ, तो एक सरप्राइज पैकेज पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं। वैसे भी अगर शादाब बार बार नाकाम हो रहे हैं तो एक तजर्बा करने में हर्जी क्या है। पैकेज की जहां आपने बात की रिशाद साहब, आपको लगता है उसामा मीर ऑस्ट्रेलियंस के लिए या आगे आने वाली टीम्स में अगर उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता है, शादाब खान की जगह उनको शामिल किया जाता है, तो क्या सरप्राइज पैकेज के तौर पे, जो कि ऑब्वियसली हम स्पिनर्स को लैक कर रहे हैं और हमारी बॉलिंग लाइन जैसे अब्बास भाई सेट के ना उस तरह से शाहीन अपनी फॉर्म में फिलहाल नजर आ रहे हैं, ना हारिस नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उसामा मीर की जो प्रेजेंस है उससे फर्क पड़ेगा? जी हाँ, मैं समझता हूँ जरूर फर्क पड़ेगा, और इसमें यदि कोई दो राय नहीं है, 100% आज उसामा मीर को खेलना चाहिए। नवाज की और शादाब की परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है, और हम ऑस्ट्रेलिया को स्पिन बॉलिंग से ही रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको फंसा सकते हैं उनके बैट्समैन को, फास्ट बॉलिंग का ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खातिर में नहीं लाता है, तो वो एक थ्रेट स्पिन ही है हमारी, और उसमें पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल जैसे मेरे साथी ने भी कहा कि इसमें सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं उसामा मीर, डेफिनेटली आज उनका यानी 100% उनको खिलाना चाहिए, अगर नहीं खिलाएंगे तो मैं समझता हूँ एक ब्लंडर होगा ये, सही ब्लंडर होगा। अच्छा, चेन्नई स्टेडियम में ऑब्वियसली ये पहली दफा कोई जो वर्ल्ड कप का मैच है ये होस्ट करने जा रहा है, स्टेडियम के हवाले से चूंकि आप लोग बहुत सहाफी उस तरह के हैं जिन्होंने इतने सारे क्रिकेटिंग इवेंट्स को कवर किया है, दो के IPL के मैचेस यहाँ पे होते रहते हैं, आप क्या ऑब्जर्वेशन है, किस तरह का ग्राउंड है यहाँ पर?
जी हाँ, ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम है और इसमें जो अब तक जो रीडिंग है और अब तक कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन जो मैंने सुनी है वो ये कि बैटिंग के लिए साजगार है और उसके अलावा कि बाउंड्रीज इसकी छोटी हैं जो कल के मैच में भी नजर आया बांग्लादेश और इंडिया के बाउंड्रीज छोटी, तो छोटी बाउंड्रीज हैं तो बैट्समैन को एडवांटेज है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को टॉस, अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो डेफिनेटली बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स जो हैं वो चेस करते वक्त ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको मुश्किल में डाल सकते हैं। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए और पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर टॉस जीत जाते हैं तो। बस भी आप अग्री करते हैं रशाद साहब से? जी बिल्कुल, यहाँ पे पहली इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो 303 है इस पिच पर और पहले बैटिंग करने वाली टीमें जो है उनको ये है कि चेज करने वाली टीम जो है उसको थोड़ा सा एज होता है कि उसके पास एक टारगेट होता है, बाउंड्रीज छोटी हैं तो वो उसके हिसाब से अपना जो मिडल आर्डर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। टीमें इस तरह के छोटे ग्राउंड्स पे बाज़ का अपना बैटिंग आर्डर जो है उसको भी तब्दील कर लेती हैं कि किसी पिंच हिटर को किसी पावर हिटर को ऊपर ले आएं। सही। तो इस तरह की ऑप्शन आपको सेकंड में बैटिंग करते हुए मिलती है। बाकी यहाँ पे 329 रन का जो हदफ है वो 2011 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने चेज कर लिया था तो उसलिए ये इतना जितना बड़ा भी स्कोर कर लेंगे तो वो महफूज ख्याल नहीं किया जाएगा अनटिल के बॉलर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की अपनी लाइन लेंथ जो है उसको मेंटेन रखें और उसको सेट प्लान के मुताबिक बॉलिंग करें और फील्डर्स जो हैं बहुत कम मौके इसलिए निकलते हैं कि बाउंड्रीज छोटी हैं तो अब फील्डर्स की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि जो मौका मिलता है उसको ज़ाया ना करें, ग्रैब करें और सिंगल डबल के साथ बाउंड्री पर एक छोटी सी गलती जो है उससे चार होता है तो फिर जो बाउंड्रीज वाले फील्डर्स हैं उन पे भी प्रेशर ज़्यादा होता है कि वो डाइव्स ज़्यादा मारनी पड़ेंगी और गेंद तक पहुंचना पड़ेगा, खुद चल के गेंद तक पहुंचना पड़ेगा ताकि जो डबल है उसकी सिंगल बने। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो करेंगे तो माइंड में रखेंगे। अच्छा, अभी आपने पहले बैटिंग की बात की तो अहमदाबाद में जो पाकिस्तानी टीम टॉस जीती थी, टॉस हार गई थी इनफैक्ट, तो बैटिंग की थी और नीदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दी थी, जबकि अहमदाबाद में दूसरे मैच में बाबर आजम ने टॉस हारा था और फील्डिंग की दावत मिली थी जबकि श्रीलंका को 6 विकेटों से हराया था। अहमदाबाद में मुसलसल तीसरी बार जो पाकिस्तानी कैप्टन थे वो टॉस हारे थे और बैटिंग की दावत मिली थी जबकि भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। चुनाव में जी ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीता था और बैटिंग का फैसला किया, 199 रन पर आउट हो गई थी और 6 विकेटों से शिकस्त खाई थी। इसी तरह राहुल इसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे। लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया जो कैप्टन है उन्होंने एक बार फिर टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया जबकि साउथ अफ्रीका के 3-11 के जवाब में पूरी टीम 177 रन पर हिम्मत हार गई थी। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स थे जो हमने थोड़े बहुत शेयर किए। अच्छा, दूसरी जानिब रशाद साहब, कल बाबर आजम ने कहा है कि जिस तरह से आप नेट प्रैक्टिस करते हैं या अपनी ट्रेनिंग करते हैं उसी तरह से खेलना है, ग्राउंड में जाके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इस हवाले से इस कॉमेंट का जो कैप्टन ने दिया है क्या समझते हैं कि इज इट राइट अबाउट इट? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ये मैसेज तो डे वन से बाबर को देना चाहिए था और टीम को पता भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें लक फेवर्स द ब्रेव जो एक मशहूर महावरा है, तो उसमें जो जितनी बहादुरी से जितने कॉन्फिडेंस से आप खेलेंगे उतना ही पाकिस्तान का ज्यादा चांस है। अगर इंडिया की डिफीट को जहन में रखते रहेंगे या उसकी वजह से बॉक डाउन होंगे तो वो फिर पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज साबित होगा। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बहादुरी से एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम से जाना चाहिए। और इसमें यह कि देखिए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जनरली अगर ओडीआई देखे जाएं तो उसमें काफी फर्क है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा जीते हुए, लेकिन वर्ल्ड कप में बड़ा क्लोज मुकाबला है। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 6 जीते हैं, पाकिस्तान ने 4 जीते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देते रहे वर्ल्ड कप में और आई एम श्योर कि आज भी जरूर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हमने आईपीएल की बात करे थे तो मैक्सवेल भी आईपीएल में चेन्नई की टीम से ही खेलते रहे हैं और इसी स्टेडियम के अंदर उन्होंने बड़े चौके छक्के लगाए हैं तो उनके लिए तो ये एक तरह का होम ग्राउंड ही है जिसमें वो खेलने जा रहे हैं। सो क्या देखते हैं, कितने खतरनाक हो सकते हैं रशाद साहब मैक्सवेल भी इस मैच में आज के? जी अच्छा अरमा, एक बात तो ये कि आप थोड़ा सा चेन्नई को और चेन्ना स्वामी को मैं स्टेडियम का नाम मिक्स कर रही हूँ, सॉरी। हाँ जी जी हाँ, ये बेंगलोर स्टेडियम, बेंगलोर का शहर है और यहाँ पे देखिए मैक्सवेल डेफिनेटली बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं और वो किसी भी यानी वो बॉलिंग में या बैटिंग में बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट लाते हैं और उनकी फील्डिंग भी बड़ी जबरदस्त है।
तो डेफिनेटली आई थिंक मैक्सवेल से बड़ा फर्क पड़ेगा और वो ही कैन बी अ सरप्राइज पैकेट. पाकिस्तान मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज. तो देख चाहिए. जैसे एक बात मैं छोटी सी जल्दी से कह दूं कि क्राउड के लिए कि बेंगलोर जो है वो आईटी हब है इंडिया का. अच्छा। टेक्नोलॉजी का ये हब है और यहाँ पे बहुत ज्यादा लिटरेसी परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट 94% तक है. तो यहाँ की हमें उम्मीद यह है कि यहाँ का क्राउड बहुत एक स्पोर्टिंग और एक पढ़े लिखे अहमदाबाद की तरह नहीं होगा जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स को ट्रीट किया था. तो वाजपेयी ये जिस तरह से रिशाद साहब कह रहे हैं कि बैंगलोर के अंदर ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, जो आईटी उनका हब है ये बैंगलोर जिसमें हम आज मैच होने जा रहा है, तो यहाँ पर जो क्राउड कंपैरेटिवली वो पढ़ा लिखा है, थोड़ा तमीज़दार, आपको लगता है कि ग्राउंड में भी वो उसी तमीज का मुजाहरा करेंगे ना कि अहमदाबाद जैसे? बिल्कुल, क्योंकि ये मैच एक तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ नहीं हो रहा, तो मेजबान क्राउड जो है वो दोनों के लिए बराबर है. दूसरी बात यह कि लोग अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं. कल जो इत्तलात हमें वहाँ से मिली हैं, कुछ रिपोर्टर्स से बात हुई थी जो वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनका यही कहना था कि कल एक दो तीन दिन से लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं और लोग जो हैं लाइनों में लग के टिकट्स खरीद रहे हैं और बड़े हैरान कन है कि मेजबान टीम का मैच नहीं है, इसके बावजूद लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि लोग, कुछ लोग जाहिर है ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे, कुछ पाकिस्तान को भी करेंगे. इस नो डाउट के पाकिस्तानी के सपोर्टर्स कम होंगे क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल की वजह से वहाँ पे बड़ा खेलते हैं. और ये जो बेंगलोर की में चन्ना स्वामी स्टेडियम है, इसमें भी जो मैचेस हुए हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया खेल चुके हैं और इन कंडीशंस का अच्छा तजर्बा रखते हैं. एक और है जो ऑस्ट्रेलिया को, ये है कि ऑस्ट्रेलिया टीम भी यहाँ पे खेल चुकी है और अच्छे बड़े स्कोर कर चुकी है. अच्छा, और पाकिस्तान एक तरह से होम ग्राउंड ही है उनका भी. पाकिस्तान के लिए स्मिथ और मैक्सवेल और पैट कमिंस काफी क्रिकेटर्स उनके जो है वो इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं, काफी मैचेस खेले हैं, यानी नेशनल टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं, आईपीएल की तरफ से भी खेल चुके हैं. पाकिस्तान के लिए ये फर्स्ट एवर तजर्बा है, पाकिस्तानी प्लेयर्स पहली बार इस छोटे ग्राउंड का जो है वो मजा लेंगे और इसका फायदा किस तरह से उठाते हैं ये अब देखने आने वाला वक्त बताएगा. थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी. अब्बास रजा हमारे साथ मौजूद थे बैंगलोर में. जी आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है और चूंकि अभी हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो टीम है उस ग्राउंड से खासी फेमिलियर भी है, बहुत सारे अच्छे यहाँ पे चौके छक्के भी मार चुकी है. पाकिस्तानी टीम के लिए पहला तजर्बा है लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से अवेल करेंगे.